हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसमें हम लोग ने चैप्टर शुरू किया हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है? ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और लोकल गवर्नमेंट भी। जो खर्चा पब्लिक के लिए कर रही है फॉर द सोशल बेनिफिट्स कर रही है, दैट इज़ नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका मतलब कि हम लोग मीनिंग कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंस जो है टाइप्स कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, इंडिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्या पोजीशन है। जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेके आज तक की पोजीशन इसमें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर हम देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर 1950 से लेके 2017-18 तक इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है डे बाई डे एक्सपेंसिस बढ़ा रही है। पहले देखो करोड़ में है, पहले जो खर्चा था 350 करोड़ रुपीस था और ये एक्सपेंडिचर फिर 3,01,468 करोड़ हो गया। हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं और फिर ये राइज हो के 18,78,000, ठीक है, 835। और टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो 530 करोड़ से लेके 21,41,974.5 करोड़ तक की राइज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डे बाय डे पहले से ज़्यादा खर्चा कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डे बाय डे इंक्रीज ही हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, अब हम बात करें कि चलो गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, अब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसका मतलब कि प्रपोर्शन क्या है जीडीपी में। तो जीडीपी का जो प्रपोर्शन है वो तो भाई राइज ही कर रहा है। तो 50-51 में जो एक्सपेंडिचर 530 करोड़ रुपीस था, दैट वाज 5.3 करोड़, टोटल जीडीपी का 5.3 करोड़ था। अब ये कितना है? अब ये 12.5 करोड़ है। ठीक है, बट अगर हम देखें तो 2000-2001 में बीच में ये ज़्यादा हो गया था, इसकी परसेंटेज 5.3 से 15.9 हो गई थी और फिर ये रिड्यूस हो गई। ठीक है, बट ओवरऑल देखें तो इंडिपेंडेंस से जो ग्रोथ है, प्रपोर्शन है, वो इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, अब आ गया चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कंपोजिशन का मतलब है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कंपोजिशन का मतलब है कि जो पैटर्न है भी अब गवर्नमेंट खर्चा कर कहाँ पे रही है। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज राइज देखें तो ज़्यादा जो राइज हुआ है वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट्स में हुआ है। इट मीन्स कि हमारे जो लोन्स हैं पहले से राइज हो गए हैं, पब्लिक डेट राइज हो गए हैं और इंटरेस्ट पेमेंट और डेट सर्विसेज में काफ़ी पोर्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर का खर्च हो रहा है। इसके अलावा जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो डिफेंस सर्विसेज में, ठीक है, सब्सिडीज में और किस में हो रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कंपोजिशन में हमने ये देखना है कि जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, जीडीपी का परसेंटेज भी राइज हो रहा है, बट किस जगह पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें 50 की, देन 2016, तो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसकी रेशो राइज हो रही है। ठीक है जी, रेशो ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू पब्लिक एक्सपेंडिचर पहले 36.2% था, फिर 51.6 हो गया और अब कितना है, 53. मतलब डेवलपमेंट में खर्चा गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है। इट मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो रही है तभी गवर्नमेंट जो है खर्चा वहाँ पे ज़्यादा कर रही है। अब पॉइंट है कि प्रोपोर्शन ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जब डेवलपमेंट पर खर्चा राइज हो रहा है तो इट मीन्स कि नॉन डेवलपमेंट पर फॉल हो रहा है। पहले शुरू में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे वो कम हो गया और डेवलपमेंट राइज हो गया। तो अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगी। डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी ग्रोथ रेट पहले से कम हुई है, ठीक है जी। तो जो रेशो थी पहले दैट वाज 4.4% 1991 में, और अब ये सिर्फ 1.54% रह गई है। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जो है पहले से राइज हुआ है, ठीक है जी। तो रिसीट्स हमें दी हैं 73,516 करोड़, मतलब हमने खर्चा जो है वो डे बाय डे राइज ही हो रहा है, जिसकी वजह से डेफिसिट भी राइज हो रहा है, ठीक है। देन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने पहले भी कहा था जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर किया था कि वो ज़्यादा खर्चा हम किस पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनका एक्सपेंडिचर काफ़ी राइज हुआ है। जो पहले 21,498 करोड़ था, अब 5,28,952, मतलब कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा राइज की हैं। पॉइंट क्लियर। मोर शेयर ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है नॉन प्लान पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है। जैसे सब्सिडीज आ गई, ग्रांट्स आ गई, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन आ गई, इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई, तो इस तरह के कई खर्चे हैं जो कि नॉन प्लान्ड है और काफ़ी मतलब कि वो शेयर ले रहे हैं किसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो इंडिया में क्या हो रहा है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का ज़्यादा शेयर हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, इसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उन सब्सिडीज पे भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो जैसा हमने देखा कि इंडिया में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो डे बाय डे राइज ही हो रहा है, और उसका कंपोजिशन भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट और डेट सर्विसेज में ज़्यादा है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर चलो राइज हो रहा है, बट ओवरऑल जो है डेफिसिट भी बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट का एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। अब क्यों ज़्यादा हो रहा है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहला तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं लोगों को, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सर्विसेज ज़्यादा, जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी पहले से राइज करती है। अब गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, ठीक है। अब गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी पे बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है। हमने पहले भी किया कि डिफेंस पे गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा कर रही है, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बहुत प्रोवाइड कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे काफ़ी खर्चा हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से सोशल वेलफेयर पे काफ़ी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है। हमने फिर किया कि डिफेंस, अभी हमने किया कि गवर्नमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी पे स्ट्रेस दे रही है। अब सोशल सिक्योरिटी पे स्ट्रेस देगी तो ऑब्वियसली डिफेंस पे भी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, तो इस तरह गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफेंस पे खर्चा ज़्यादा कर रही है, ठीक है। देन आगे इकोनॉमिक प्लानिंग, तो गवर्नमेंट जो है उसके इकोनॉमिक प्लान्स करती है, उन प्लान्स के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना होता है, ठीक है। तो 1951 में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की गई थी, ठीक है। जो फर्स्ट प्लान हमारा इंडिया का तैयार किया गया उसमें गवर्नमेंट ने इतना एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिसाइड किया गया, प्लान किया गया। और जो अब 7th 12th प्लान अभी जो रिसेंट हुआ है, तो 12th प्लान में गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है दैट इज 76,69,807 करोड़ रुपीज़। तो गवर्नमेंट जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करती है, और हर साल प्लानिंग में एक्सपेंडिचर राइज होता है, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज होता है। इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी खर्चा होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा होता है।
कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आ गया जिस पे काफ़ी एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। इसके अलावा आ गया जेल्स हो गया, जुडिशरी हो गया, तो ये सारे एक्सपेंडिचर, ये सारे सिविल्स के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। गुड्स के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है, गुड्स परचेज करती है पूरे सेक्शन के लिए, ठीक है। जब गवर्नमेंट गुड्स परचेज करेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा भी राइज होगा, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे भी गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा कर रही है, जैसे हो गया पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में भी काफ़ी हो रहा है। जैसे असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम खादी हैंडलूम को गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं या सपोर्ट प्रोवाइड की है ताकि ये प्रमोट हो सके। इसके अलावा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट किसको, उन प्राइवेट सेक्टर्स को जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सिख प्राइवेट यूनिट्स को भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक्सपेंस करती है, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अर्बनाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसे राइज हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट को मतलब कि पुलिस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ठीक है, उस पर काफ़ी एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, ठीक है, तो सिविक कम्युनिटीज़ पे काफ़ी एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ, उल्टा राइज हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, अभी जैसे LPG पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है, तो उसका अल्टीमेट बर्डन जो है गवर्नमेंट पे ही पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज होता है। हाँ जी, अब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करेगी उससे प्रोडक्शन भी राइज होगी और प्रोडक्टिविटी भी राइज होगी। कैसे राइज होगी वो हम देख सकते हैं, सेटिंग अप द पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। गवर्नमेंट जब पब्लिक एंटरप्राइजेस सेटअप करेगी ना, जैसे रेलवे सेटअप कर दिया, पावर जनरेशन कर दिया, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सेटअप कर दी, माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप कर दी, जब गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी तो ऑब्वियस है कि इससे प्रोडक्शन तो राइज होगी होगी, साथ में प्रोडक्टिविटी भी राइज होगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे जब एक्सपेंडिचर करेगी, इसके अलावा कम्युनिकेशन पे एक्सपेंडिचर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा तो उससे क्या होगा, क्या भी गवर्नमेंट की प्रोडक्शन, ओवरऑल इकोनॉमी की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी राइज करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देगी, हमने किया कि देती है जब वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, तो जब वो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देगी, सपोर्ट करेगी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, तो इससे प्रोडक्शन भी राइज होगी और प्रोडक्टिविटी भी राइज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, जिससे क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और ओवरऑल प्रोडक्शन राइज होगी। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा, रीजनल इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। वो कैसे, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट ज़्यादातर सोशल वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है। सोशल वेलफेयर के लिए कैसे, कि पुअर सेक्शन को वो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है,
जब वो गवर्नमेंट पुअर सेक्शन को हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी तो इससे क्या होगा, फ्री राशन प्रोवाइड करेगी तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस करेंगी, ख़त्म तो नहीं होंगी बट रिड्यूस हो जाएंगी, इनकम इनइक्वालिटीज़ भी रिड्यूस होंगी। वो कैसे, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे कि गवर्नमेंट ने रोड बनाई, ठीक है, ब्रिजेस बनाए, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट एज अ फैक्टर इनकम पुअर सेक्शन को देगी जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, जिससे इनकम इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस भी होंगी, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे हेल्पफुल होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिप्रेशन पीरियड में डिमांड चीज़ों की कम होती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे अभी पीछे लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने किया था कि बिहार में उन्होंने गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर राइज कर दिया ताकि वो जहाँ पे लेबर वहाँ अपने घरों में गई है वो वहाँ पे जाके अपना काम शुरू कर सके। उससे गवर्नमेंट ने क्या किया, लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, जब लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उससे उनकी डिमांड राइज होगी, डिमांड राइज होगी तो डिप्रेशन भी रिमूव होगा, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है, कैसे कि वो डिमांड को ख़त्म करती है, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी इससे प्रोडक्शन राइज होगी, प्रोडक्शन राइज होगी तो गुड्स की सप्लाई भी राइज होगी, गुड्स की सप्लाई जब राइज होगी तो मतलब कि वो डिमांड को पूरा करेगी, जिससे इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी, चीज़ों का रेट नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट तो हम कई बार कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसके अलावा कंजम्पशन भी राइज होगी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जैसे फ्यूल सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, राशन पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अब राशन पे भी सब्सिडी होगी, लोगों को वही राशन सस्ता मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा, जिससे क्या होगा कि डिमांड जो है पहले से राइज होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। और सारा जो भी हमने पॉइंट्स किए, चाहे प्रोडक्शन राइज हो रही है, चाहे एम्प्लॉयमेंट राइज हो रही है, चाहे डिमांड राइज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की ओर जो हमें बता रही हैं, संकेत कर रही हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ही बता रही हैं। अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगी। नेक्स्ट आ गया, हमने इफ़ेक्ट तो देख लिए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट सारे हमने देखे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का फ़ायदा ही फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है। बट अब हम कर रहे हैं कि शॉर्टकमिंग्स क्या है, शॉर्टकमिंग पहले तो इन्फ्लेशन ही आ गया। अभी मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वो कैसे करता है, सप्लाई को राइज करते। अब मैं कह रही हूँ कि शॉर्टकमिंग में इन्फ्लेशन को राइज करता है, वो कैसे, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट का पैसा लोगों के पास जाएगा, मनी ट्रांसफ़र होगी, जिससे क्या होगा, लोगों की डिमांड राइज करेगी। अगर मान लो डिमांड तो राइज करेगी, सप्लाई उतनी नहीं है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहे हो तो आप उसमें क्या लिखोगे कि सप्लाई राइज होगी, और इफ़ेक्ट दोनों ही होते हैं, किसी जगह पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, कहीं पे नेगेटिव होता है। अब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, इनकम तो गवर्नमेंट की है नहीं, हमने पहले भी पॉइंट किया कि डेफिसिट राइज हो रहा है, अब उससे क्या होगा कि पब्लिक डेट ही राइज होगा, पब्लिक डेट राइज होगा तो इससे इंटरेस्ट पेमेंट्स राइज होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स किस रूप में जाएंगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर में ही जाएंगी, और ये जो होगा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंस इसमें हमने करना है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट खर्चा कर ही रही है तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है लोगों को जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक तरह की शॉर्टकमिंग आके ना मिसयूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल मैटर्स आ जाती हैं जिसकी वजह से जो ऑफिसर्स हैं जिनके हाथ में जिनके पास ये अथॉरिटी होती है वो इसको क्या करते हैं, मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब इसकी अलोकेशन आती है तो भी कई बार बायसनेस शुरू हो जाती है।
ठीक है। तो जैसे स्टेट्स में भी बायसनेस हो सकती है कि पर्टिकुलर स्टेट को हमने ये इतना एक्सपेंडिचर करना है, पर्टिकुलर स्टेट में नहीं करना, सिटी वाइज भी हो सकती है। और मतलब कि जो बायसनेस है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देन गवर्नमेंट धीरे धीरे जब खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नॉन डेवलपमेंट पे खर्चा ज़्यादा करना शुरू कर देती है। अब नॉन डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर ही होगा, इनकम कुछ नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, मोर करेंसी इशू होगी, इन्फ्लेशन होगी, मतलब नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, अब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा कर रही है, उससे क्या फेलुअर बढ़ता है। फेलुअर बढ़ने से क्या होता है, फेलुअर बढ़ने से क्या है, लॉसेस पे जाती हैं, लॉसेस पे जाती है तो अल्टीमेट जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसका लॉस है। तो सजेशंस क्या है जो हम बार बार कर रहे हैं, पहली है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना ही है, आवर कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बिना आगे हम बढ़ नहीं सकते, पर ये है कि जो भी एक्सपेंडिचर हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। दूसरा हमने अभी पॉइंट किया कि बायसनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो अनबायस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ठीक है, बट वो अनबायस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग का नुकसान ये है कि नए नोट इशू होते हैं, जब न्यू करेंसी इशू होती है तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आती है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, डेफिसिट फाइनेंस नहीं होना चाहिए। और जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका मेन मोटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इस पे मतलब कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे ये इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है, बहुत आगे लेके जा सकता है, बट इसके लिए प्रॉपर प्लान्ड होना चाहिए और वे ऑफ एक्सपेंडिचर सही होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा 9th चैप्टर था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, तो क्वेश्चन इस लेसन में बहुत बनते हैं, आप लोग सजेशन, ये वीकनेस इंपैक्ट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया उसका एक क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन बनता है, देन प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और लेसन पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।